बिहार के बक्सर में पटना कोटा एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में एक हाथ का कटा हुआ पंजा मिला, जिसे देख यात्रियों में हड़कंप सा मच गया। यात्री उस पंजे को देखने के बाद इधर उधर भागने लगे। घटना बीते गुरुवार की है, जहां शाम करीब 5:30 बजे जब ट्रेन बक्सर पहुंची, तब इसके बारे में लोगों को पता चला। ट्रेन कोटा से पटना आ रही थी। हालांकि ट्रेन में सफर कर रहे यात्री भी डरे सहमे से थे, ऐसे में वो कुछ नहीं बता सके। इस पूरे मामले को लेकर आरपीएफ और जीआरपी ने बारीकी से जांच की। ट्रेन 6:19 तक रुकी रही, फिर यात्रियों की परेशानी को देखते हुए ट्रेन को आगे रवाना किया गया। ट्रेन के सामान्य कोच के अंदर जगह जगह खून के धब्बे भी थे और खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे। घटना के संबंध में ये कहा जा रहा है कि चलती ट्रेन में तुलसी आश्रम और भदौसा स्टेशन के बीच दो गुटों में जमकर हंगामा और हिंसक झड़प हुई थी। ये देख यात्री उधर उधर दुबक गए। चलती ट्रेन से किसी व्यक्ति को फेंकने के बाद सभी हमलावर भाग निकले। वहीं माना यह भी जा रहा है कि जान बचाने के लिए शख्स ट्रेन से कूद गया होगा। इसके बाद यात्रियों ने हाथ का कटा हुआ पंजा देखा, जिसके बाद किसी ने इसके बारे में दानापुर कंट्रोल को सूचना दी। जीआरपी थाना अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव ने फोन पर बताया कि कटा हुआ हाथ का पंजा बरामद किया गया है। इसके बारे में जानकारी सामने आई है कि एक व्यक्ति गहमर में गिरा हुआ मिला था, उसका भदौरा में प्राथमिक इलाज किया गया है। इसका बेहतर इलाज गाजीपुर सदर अस्पताल में करवाया जा रहा है। ये घटना कैसे हुई इसके बारे में जानकारी अभी नहीं है।